सो गाइस, मैं कर रहा था ऑफलाइन माइनिंग और मेरे को ये केव मिली। और इस केव के अंदर मुझे क्या मिला भाई, मैं देख के पागल हो गया था। मैंने इनको जल्दी से माइन करा भाई। मतलब इस टाइम पे मेरी फीलिंग क्या थी मैं नहीं बता सकता। मैं इसके ऊपर रिकॉर्ड दे रहा हूँ, तो चले इनको निकाल लेता हूँ मैं। और इसके बाद मैं चलता हूँ थोड़ी बहुत और आगे इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए, मेरा पानी लेने के बाद। हाँ, पानी बहुत ज़रूरत है। और मेरे को ये मिले भाई, मतलब ये केव पहले कहाँ थी यार, मेरे को मिली नहीं थी। तो मैंने यहाँ के भी जल्दी से मैंने डायमंड्स को माइन करा, फिर मैं वापस चलने लगा और मेरे को वापस से ये मिले। मतलब भाई इनक्रेडिबल, ये केव भाई कुछ ज़्यादा ही शानदार थी यार। इस केव में से मुझे टोटल 17 डायमंड्स मिले थे भाई। मतलब उस टाइम की मेरी जो फीलिंग्स थी मैं आपको नहीं बता सकता। तो पूरा 17 डायमंड मिले थे। और ये मैं आयरन लेने लग गया था, पता नहीं मेरे को क्यों लेने लग गया था ये आयरन, क्योंकि मेरे पास आयरन फार्म है। जैसे ही मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे पास एक आयरन फार्म है, तो मैं यहाँ से लेना छोड़ देता हूँ और यहाँ से जाने लगता हूँ। तो गाइस, वेलकम टू द प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट का बोल रहा हूँ। चलो वैसे यहाँ से निकलते हैं हम, क्योंकि भाई मैं यहाँ से निकलने में पागल हो जाने वाला हूँ, पक्का घूमने वाला हूँ यहाँ पर। मैं पहले यहाँ से निकल जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सबसे। भाई मतलब कम से कम 2000 सालों के बाद मेरे को रास्ता मिल चुका है। और हाँ, ये जो डर्ट का रास्ता है, ये मैंने ही बनाया था जब मैं नीचे आ रहा था। भाई साहब ये केव कुछ ज़्यादा ही बड़ी है यार। मतलब मैं तो घूम गया था लगभग, पर मैं बच गया क्योंकि मैंने टॉर्चेस लगा रखी थी। देख सकते हो गाइस, मतलब ये कितनी गहरी, और इन्हें मेरे नेदर पोर्टल के पास में ही है। तो गाइस अभी चलते हैं जल्दी फटाफट से हम हमारे घर पर, उनके बनाते हैं टूल्स, हाँ डायमंड के टूल्स। हेलो डॉगीज, देखो तुम, मतलब मैं आज क्या लेकर आया हूँ, कितने ज़्यादा डायमंड, पूरा 17 डायमंड्स है। वैसे इनका नाम भी रखना है, मेरे को नाम तो कुछ नहीं पता। प्लीज़ आप कमेंट में बताओ कि मैं इनका क्या नाम रखूँ। तो अब तो चलते हैं हम, अरे चलना आ, तो अब बना लेते हैं जल्दी से डायमंड के टूल्स क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। ये देखो गाइस, मैं मतलब वहाँ पर गया था तो मेरे को कितने कोल मिले भाई। मतलब वो केव कुछ, अरे यार मैं टूल्स, अच्छा मेरे पास वो स्टिक्स नहीं होंगे तो पहले स्टिक बना लेते। और अब बन चुकी हमारी एक डायमंड की सोर्ड और एक एक्स। अरे स्टिक कम पड़ गए, अरे स्टिक वापस बनाना पड़ेगा। ये बन चुकी हमारी स्टिक्स एंड ये बन गई हमारी डायमंड की एक्स। और गाइस हम एक चेस्ट प्लेट बना लेते हैं डायमंड की, क्योंकि मेरे पास डायमंड बच रहे हैं इस वजह से। तो एक चेस्ट प्लेट, और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक पिकेक्स और बना लेते हैं, क्योंकि पिकेक्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस ये बन तो चुके हमारे डायमंड के टूल्स, तो इनको रख देते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास अभी लगभग 2 डायमंड्स है। मैं दिखाता हूँ पहले आपको कैसे, पहले मैं ये रख देता हूँ डायमंड की पिकेक्स, ये रही रख दिया। तो गाइस एक डायमंड तो ये रहा और दूसरा डायमंड ये रहा जो कि मैंने इस फ्रेम के ऊपर लगा रखा था। तो इसको निकालते और एक इंचेंटिंग टेबल बनाते हैं। पहले ऑब्सीडियन चाहिए, मैं ऑब्सीडियन लेकर आता हूँ। तो मैं ला चुका हूँ ऑब्सीडियन और ये बन चुका है हमारा इंचेंटमेंट टेबल। और हाँ गाइस, मैंने ऑफलाइन मतलब कैमरे को मतलब ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, और मैंने बना ली है एक जगह जहाँ पर मेरी ये लाइब्रेरी बनेगी, देख सकते हो आप। तो मैं इसको थोड़ा बहुत और खोद लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सबसे। और सबसे पहले मैं ये कोल निकाल लेता हूँ भाई, कोल बहुत ज़रूरत है। तो गाइस मैंने वहाँ पर नीचे, जब तक मैं खोदूँगा उस, मैं यहाँ पर रख देता हूँ मतलब स्टोन स्मेल्ट करने के लिए। तो गाइस मैं कर चुका हूँ मतलब ये आइट साइड की पूरी दीवारें क्लियर कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर स्टोन की ब्रिक्स लगाने वाला हूँ और नीचे स्मूथ स्टोन। तो अभी तो चलते हैं हम निकाल लेते हैं वहाँ से। तो कितने स्टोन स्मेल्ट हुए, तो 24 यहाँ पर हैं और 25 थे सॉरी, और इधर हैं, इधर भी 24 है लगभग। तो बन तो जाएंगे, अच्छा है चलो। अब इसके बना लेते हैं हम स्टोन ब्रिक्स। स्टोन ब्रिक्स ये रही, जितनी भी बन सकती है भाई पूरी दे दो, पूरी दे दो एक साथ बिल्कुल बन। हाँ ठीक है, अरे मेरे को वो भी करना है ना। हाँ इधर ये रही, तो इनको निकाल लेते हैं अपने हाथों के हाथों पर। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम नीचे फोर्स को लगाने के लिए, मतलब स्टोन ब्रिक्स को लगाने के लिए। वैसे बाहर रात हो रही कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं घर के अंदर हूँ, सो नो टेंशन। तो मैं स्टोन ब्रिक्स यहाँ से लगा देता हूँ, एक दो, मैं ये पूरे पकड़ लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सबसे, इंजॉय करना। तो गाइस मैंने फास्ट मोशन में करने की सोची थी पर मैंने नहीं करा, क्योंकि भाई वो लेग होता है काइन मास्टर में, तुम्हें पता है। तो मैंने आइट साइड सारी तरफ ये वॉल लगा दी, और इनकी टेंशन मत लो। ये गड्ढे तो जरूर मैं भर देता हूँ, अरे लग जाना, हाँ ठीक है, ये अच्छा नहीं लगेंगे क्योंकि, और ये लगा, अरे ये फर्नेस खुल गया, नो टेंशन। वैसे लॉल,
आज भाई मैं पता नहीं क्या इस मूड में हूँ, तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आज, सो सॉरी। पर आप वीडियो पर ध्यान दो, मेरी बातों पर ज़्यादा मत देना ध्यान, क्योंकि मैं इसके ऊपर से वॉइस ओवर दे रहा हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियो भी लेट हुई थोड़ी सी एक दो दिन। उन्होंने इंटेंशन मैंने इसके नीचे स्मूथ स्टोन लगा दिया और राइट साइड स्टोन ब्रिक लगा दिया। अब मेरे को बनाना है बुक सेल्फ, हाँ वो बुक सेल्फ, तो वो बना लेता हूँ पहले। तो मैंने बना लिए बहुत सारी बुक सेल्फ और मैंने यहाँ पर लगा भी दिए। वैसे मेरे को बहुत सारी गायों को मारना पड़ा, चलो कोई बात नहीं। अब इंचेंटमेंट टेबल जो है हमारी वो लगा देते हैं इसके बीचों बीच। तो गाइस बन चुका है हमारा पूरा का पूरा इंचेंटमेंट सेटअप। तो अब मेरे पास वैसे एक्सपी नहीं है, तो अगली वीडियो में हम एक्सपी फार्म बनाएंगे, अनलिमिटेड मोब एक्सपी फार्म। तो अभी तो चलते हैं, पहले देखते हैं हमको मतलब क्या क्या मिल रही है वो इंचेंटमेंट्स। तो मेरी डायमंड की पिकेक्स में देखते हैं कि स्वॉर्ड पे भी देखें क्या, रहने देते हैं पहले हम मतलब इस पर देखते हैं क्या बोलते हैं, डायमंड की पिकेक्स पे देखते हैं क्या क्या इंचेंटमेंट मिल रही है हमें, और 30 लेवल की मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये लगाते ये रही, तो हमको मिल रही है इसमें सिल्क टच। भाई साहब सिल्क टच अनब्रेकिंग 2 और अनब्रेकिंग 1, नाइस। मेरे को बस लेवल्स चाहिए और कुछ भी नहीं, और मेरे को लगता है कि सिल्क टच के साथ मेरे को और कुछ भी मिल सकता है। सो गाइस मैं ये नई वाली जो पिकेक्स बनाई है मैं इसके अंदर देखता हूँ कि मेरे को इसमें क्या इंचेंटमेंट मिलती, हो सकता है कुछ अलग इंचेंटमेंट मिल जाए, तो देखते हैं। इसमें भी वही इंचेंटमेंट्स हैं, चलो कोई बात नहीं उसमें ही लगा लेंगे हम। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, और बिल्कुल ज़रूर बताना आप कुछ नए नए सजेशंस मेरे को खेलने के लिए कि मैं और क्या क्या खेल सकता हूँ कमेंट में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।